दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर को लेकर जबरदस्त ड्रामा, हंगामे और बवाल के बीच कार्रवाई नहीं पूरी कर पाई एसडीएमसी की टीम। शाहीन बाग के लोगों ने रोका एसडीएमसी के बुलडोजर का रास्ता, महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन। शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी किया बुलडोजर वाले एक्शन का विरोध, अमानतुल्ला खान बोले मुझे बताओ कहां है अवैध अतिक्रमण। अमानतुल्ला खान के खिलाफ एसडीएमसी ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। शाहीनबाग में बुलडोजर और बवाल को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। शाहीनबाग में जारी रहेगी एसडीएमसी की कार्रवाई, मेयर मुकेश सुरयान ने कहा जरूरत पड़ी तो दोबारा भेजेंगे। शाहीनबाग में कार्रवाई के खिलाफ सीपीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, देश की अदालत ने सुनने से इनकार किया, प्रभावित लोगों को दी हाईकोर्ट जाने की सलाह। ज्ञानवापी मस्जिद का फिर से किया जाएगा सर्वे, आज की सुनवाई में हुआ साफ, अदालत कल तय करेगी नई तारीख। याचिका से वापस अपना नाम नहीं लेंगी हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह, पहले कहा था वापस लेने जा रही हूं केस। काशी की तर्ज पर मथुरा जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का भी उठा मामला, एक याचिका पर कल होनी है स्थानीय कोर्ट में सुनवाई। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर होगा पुनर्विचार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा धारा 124A की वैधता को फिर से जांचेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे। देशद्रोह कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा प्रोपेगेंडा बनाकर लाखों लोगों पर किया गया दुरुपयोग। इसका मजाक बनाकर रख दिया सेडिशन लॉ का, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अमेंड करने जा रहा था, इनको ऑब्जर्वेशन से लग गया था, इसलिए इन्होंने मजबूरी में इसको विड्रॉ किया है। और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत पांच पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को दी गई थी चुनौती, याचिकाकर्ताओं ने की थी अपील नहीं है जरूरत। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, गुवाहाटी में बोले अगली बार होगी ई जनगणना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे सारे काम। इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी। गुवाहाटी में अमित शाह ने किया जनगणना ऑफिस का उद्घाटन, एसएसबी बिल्डिंग को भी हरी झंडी दिखाई। असम के मानकचार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बीएसएफ के बीओपी पर जवानों के साथ बातचीत की। दो दिनों के असम दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के साथ कामाख्या देवी मंदिर में पूजा पाठ की। ट्रेन से अंबाला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत, सीएम खट्टर अनिल विज ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। हरियाणा के अंबाला छावनी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया आधुनिक कैंसर केयर अस्पताल का उद्घाटन, 72 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सोनिया और राहुल समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया ने नेताओं को दी पार्टी का कर्ज चुकाने की नसीहत, बोली जादू की छड़ी से नहीं मिलेगी मजबूती। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले पार्टी का टिकट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो क्षेत्र में काम करते हैं। तोड़फोड़ और दंगों के मामले में गुजरात सरकार से हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, मामला वापस लेने के लिए डाली याचिका को कोर्ट ने मंजूर किया। हार्दिक पटेल के खिलाफ अहमदाबाद और सूरत में दर्ज है राजद्रोह का मामला, अब केंद्र सरकार कानून की कर रही है समीक्षा। गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने बीजेपी से टिकट को लेकर मजबूत किए अपने सुर, राधनुपुर से दावेदारी ठोकी। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, बंद कमरे में 50 मिनट की मुलाकात के बाद लगे कयास। अयोध्या में तेज हुई बाला साहब की पहचान पर विरासत की जंग, बीजेपी सांसद ने राज ठाकरे को हनुमानगढ़ी के महंत ने उद्धव ठाकरे को दी अयोध्या में न घुसने देने की चेतावनी। राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के दौरे से पहले अयोध्या में पोस्टर वॉर, शिवसेना के समर्थन में लिखा असली आ रहा है नकली से सावधान।
चंपावत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, दाखिल किया पर्चा। राणा दंपत्ति को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 18 मई तक पेश होने के आदेश। अमरावती के सांसद ने कहा नहीं किया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। मुंबई से दिल्ली पहुंचे राणा दंपत्ति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, जेल में हुई बदसलूकी की जानकारी दी। चेन्नई से सामने आई अद्भुत तस्वीर, अतिक्रमण हटाओ अभियान में घर गिरा तो सड़क पर खाना बनाती नजर आई एक महिला। बढ़ी हुई गैस की कीमतों को लेकर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने गैस एजेंसी को सौंपे खाली सिलेंडर। बिहार में बीपीसीएसपीटी परीक्षा का पेपर लीक होने पर सियासत सुलगी, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए, छात्रों के लिए मुआवजे की मांग की। सरकार, नौजवान, छात्र, बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। ईओडब्ल्यू करेगी बीएसपीसी पेपर लीक की जांच, 3 सदस्यों की बनाई गई कमेटी, 3 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश हैं। अगर कहां से किसी ने लीक कर दिया है तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा। पेपर लीक होने के बाद बढ़ाई गई बीपीएससी कार्यालय की सुरक्षा, छात्रों की नाराजगी देखते हुए बड़ी संख्या में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। सीवान में आर्मी भर्ती के परीक्षार्थियों ने रेल ट्रैक पर लगाया जाम, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, 1 घंटे में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के छूटे पसीने। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल पर लगातार कसराए ईडी का शिकंजा, जांच एजेंसी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से जारी है ईडी की पूछताछ, जांच एजेंसी ने सीएम की पत्नी और बहन से भी दागे सवाल। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से दूसरे दिन भी हुई पूछताछ, अभिषेक झा के परिवार वालों को भी सवाल जवाब के लिए जांच एजेंसी ने समन भेजा। मुंबई में डी कंपनी पर एनआईए का बड़ा एक्शन, दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर्स तस्करों के 20 ठिकानों पर छापे। छापेमारी के दौरान एनआईए ने मुहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी को हिरासत में लिया, इसी केस में हुई थी नवाब मलिक की गिरफ्तारी। दाऊद के रिश्तेदारों के करीबियों पर एनआईए ने टिकाई नजर, छोटा शकील के साले को दबोचा। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 67 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, चल सकता है बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के शुपिया में एनकाउंटर, सुरक्षा एजेंसियों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। पंजाब के तरन तारण में 2.5 किलो आरडीएक्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, भीड़भाड़ वाले इलाके में थी धमाके की साजिश। अमृतसर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया, करीब 10 किलो हेरोइन बरामद। मुजफ्फरनगर में नई नवेली दुल्हन की मौत पर जबरदस्त हंगामा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो। राजस्थान के जैसलमेर में टोल प्लाजा पर लूटपाट, कैमरे में कैद हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की वारदात। जालौन में सर्राफा की दुकान में 1 करोड़ की चोरी, 1 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोना ले गए हथियारबंद बदमाश। नागपुर में सिलेंडर फटने से झोपड़पट्टी में भीषण आग, चपेट में आए 50 से ज्यादा आशियाने। नोएडा में दिन दहाड़े लूटपाट, बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटे 6 लाख रुपए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दूसरी गाड़ी से टकराकर पलटा ट्रक, 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के धार में दूल्हे की शेरवानी को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई लोग घायल। उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध हथियार। बिहार के पूर्णिया में थाने के बाहर जमकर बवाल, महिला ने माइक पर लगाए थाना प्रभारी मुर्दाबाद के नारे, पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान में पीने के पानी ने लोगों को बेहाल किया, तेज गर्मी में लोगों ने डीएम के पास दर्ज कराई शिकायत। उज्जैन में 2 बहनों के साथ हो रही थी शादी, बत्ती गुल होने पर दूल्हों की हो गई अदला बदली। अब बर्थडे पार्टी या दूसरे समारोहों के लिए किराए पर मिलेगा मेट्रो ट्रेन का कोच, नोएडा मेट्रो ने किया ऐलान, 5 से 10 हजार रुपए के बीच देना होगा किराया। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते ही असर दिखाने लगा तूफान, करीब 125 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं।
ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने लोगों को दी सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। तूफान असिनी की वजह से ओडिशा के तटीय इलाकों में शुरू हुई बारिश, डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में भी बारिश ने पकड़ी रफ्तार, कोलकाता में कई जगहों पर भरा पानी। असिनी को देखते हुए कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैंसिल की कर्मचारियों की छुट्टी, हालात पर नजर रखने के लिए बना कंट्रोल रूम। दिल्ली में अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अगले 4-5 दिनों में और बढ़ेगा तापमान, लू चलने के भी आसार। केदारनाथ यात्रा पर पहुंचने वाले 4 तीर्थ यात्रियों की मौत, 3 महिला यात्रियों की तबीयत बिगड़ने से गई जान, 1 यात्री की खाई में गिरने से मौत। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर उठाए सवाल, पूछा यमुनोत्री और केदारनाथ में क्यों हो रही है श्रद्धालुओं की मौत। लगातार बढ़ रही है केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, दोपहर बाद सोनप्रयाग में रोके जा रहे हैं यात्री। केदारनाथ में 3 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, बद्रीनाथ में 1 दिन में पहुंचे 25,000 से ज्यादा यात्री। केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हो रही है मुश्किलें, बिजली व्यवस्था ठप होने से लोग और कारोबारी परेशान। 364 अंकों की गिरावट के साथ 54,470 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 109 अंक की गिरावट के साथ 16,301 पर बंद। शेयर बाजार में गिरावट और एफपीआईज की निकासी के बावजूद म्यूचुअल फंड्स का मार्केट में भरोसा बरकरार, अप्रैल में 3 महीने में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड। एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को खरीदने की रेस में आगे निकला अडानी ग्रुप, स्विट्जरलैंड की होलसिम से $13.5 अरब में सौदा होने का अनुमान। सरकार की योजनाओं को पिछड़े वर्ग तक पहुंचाने की हुई शुरुआत, ओबीसी कारोबारियों की समस्याओं और सुझाव जानने के लिए की गई पहल। जीतो कनेक्ट के पुणे सम्मेलन में पीएम मोदी ने घर में इस्तेमाल होने वाले विदेशी सामानों की लिस्ट बनाकर उसे कम करने पर जोर दिया, कहा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिले। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा, बोले जनता के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में हिंसा का दौर, सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन, 78 लोग जख्मी। कोलंबो में सरकार के समर्थक और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प, सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद की मौत। श्रीलंका के एक मंदिर परिसर में जुटे महिंदा राजपक्षे के समर्थक समर्थन में जमकर नारेबाजी की। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद साफ हुआ अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता, पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान, कोलंबो में सेना की तैनाती। फिलीपींस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डाले गए वोट, मतदान केंद्रों के बाहर दिखी लोगों की लंबी कतारें। कोरोना को लेकर बीजिंग में कड़ी की गई पाबंदियां, चीन की राजधानी में बंद किए गए शॉपिंग मॉल। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में घरेलू उड़ानों पर बड़ी महंगाई की मार, तेल के दामों में बढ़ोतरी से कई एयरलाइंस ने अगली सूचना तक उड़ानों पर रोक लगा दी।